वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इशबान विक्टर ऑफिशियल। गिटार, तबला और हारमोनियम पर जबूर और मसीही गीत सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इशबान विक्टर ऑफिशियल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको मसीह यीशु में सलाम। आप सबकी सलामती हो। मैं हूं इशबान विक्टर और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, इसलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अब तक नहीं किया। और जो लोग खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल देना चाहते हैं वर्शिप के ज़रिए, गीतों के ज़रिए, हारमोनियम के ज़रिए, वो इस चैनल पे, ये इस चैनल ख़ास उनके लिए है। और ये वीडियो आज की स्पेशल उनके लिए, मैं उनको गिफ्ट करता जा रहा हूँ। पास्टर अर्नस माल की एक बहुत मशहूर गज़ल, जिसकी मुझे मेरे पेज पे कितनी दफ़ा फरमाइश आई कि प्लीज़ इसका लेसन दें, इसका लेसन दें। और थोड़ी सी मैं माजरत के साथ एक बात कहूँगा कि ये अगर जो बिल्कुल बिगनर सीख रहे हैं उनके लिए मुश्किल हो सकता है, इसलिए ज़रूर वो कॉर्ड्स भी मैं साथ बताता हूँ ताकि बिगनर्स को ये ना लगे कि हमारे लिए कुछ नहीं है। तो बिगनर्स के लिए भी इसमें बहुत कुछ है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा नोटेशन। और साथ साथ जो ऑलरेडी बाजा बजा रहे हैं उनके भी डिफ़िकल्टीज़ मैं ख़त्म करूँगा, कोशिश करूँगा जितनी मुझे खुदा ने अकल, समझ और दनाई दी है। और ये जो इशबान विक्टर लिखा है मेरे दोस्त के काम है, उसने वाइटों से मेरे बाजे पे गंद कर दिया है। खैर, इग्नोर कीजिएगा इसको, तो ये वैसे ही लिखा हुआ है, कोई समझे पता नहीं, इसने नाम उल्टा लिखा हुआ है। ये मेरा एक दोस्त घर पे आया था, उसको समझ नहीं थी, ये पेटी अलग पड़ी हुई थी, इससे मैंने सफाई करके रखा था, तो उसने ये वाइटों से अपने मोहब्बत का इजहार कर दिया। खैर एनीवे, तो आज हम करेंगे मुझे अपने लहू का रंग दे दे, जो कि अर्नस मल साहब का बहुत मशहूर गज़ल है और मुझे बहुत पसंद है। जब अभी भी इसको गाया जाता है तो अर्नस मल की खुशबू आती है, और कोई अच्छा गाने वाला हो बजाए तब तो देखेंगे इसकी नोटेशन। अच्छा, इसमें कन्फ्यूज़न है, मैं कन्फर्म नहीं कह सकता क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा उस्ताद नहीं हूँ, लेकिन मेरा भी थोड़ा बहुत तजर्बा है म्यूज़िक में। इसमें कन्फ्यूजन है कि ये कुछ लोग कहते हैं ये राग दरबारी में है, कुछ लोग कहते हैं ये राग भीम पलासी में। तो आज हम दोनों रागों को पहले छेड़ेंगे और देखेंगे इसका अंग किस में जाके बैठ रहा है। और आप भी समझते हैं म्यूज़िक को तो आप मेरा साथ देंगे। पहले हम देखेंगे इस राग की नोटेशन, मुझे अपने लहू का रंग दे दे। राग पहले स्केल, पहले काले से, ठीक है, सी शार्प से। सी शार्प, जो मेरे चैनल के पुराने व्यूअर्स हैं उन सबको पता चल गया होगा अब सी शार्प कौन सा है। बाजे पे मैंने बहुत दफ़ा बता दिया, सी शार्प है ये। अब पहले दरबारी का अंग देखें, थाट सावरी है दोनों में। थाट क्या है? सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा मा मा गा रे सा। सावरी थाट, राग दरबारी, धा नी रे सा गा। ये राग दरबारी हो गया। अब राग भीम पलासी देखेंगे, राग भीम पलासी का थाट है काफी। सारे गा मा पा धा नी सा, भीम पलासी का स्टार्ट यूं है, आरोही जो है इसकी, अब अमरोही, तो मेरे ख्याल से ये राग भीम पलासी में है।
ये लग रहा है मुझे अपने राग है राग भीम पलासी। मेरे हिसाब से किसी को इससे इख्तलाफ राय हो तो वो उसका फेल है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन समझ जो हमारी म्यूजिकली कह रही है वो है राग भीम पलासी। मुझे अपने अंतरे की भी मेरी जान भी हो तो अपनी नहीं, ये मुझ पे तेरा एहसान है। मेरी जान भी हो तो अपनी नहीं, ये मुझ पे खुदा साथ नहीं दे रहा, माजरत करूंगा। तो अब जल्दी से टाइम वेस्ट किए बगैर हम इसकी नोटेशन देखेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होती जा रही है, लेकिन आप सीखें जरूर, थोड़ा सा टाइम निकालें प्लीज। फिर से ये नहीं है, गलती से लग गया। आपने इसको जब फिंगर से बजाना है, क्योंकि गजल बजाना आसान नहीं होता, Ha 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 ha
से पटदीप का भी आ रहा है ऐसे। तेरा खून चले मेरी रग रग में, ये राग पटदीप है। तेरा खून चले रग रग में, सबको पसंद आई होगी। और थोड़ी सी मुश्किल इसमें पड़ेगी आपको करने में, लेकिन आप प्रैक्टिस करें। फिर भी आपको कोई चीज़ इसमें ना समझ आए तो आप ज़रूर मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा होगा, तो आप वहाँ से लेके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आप इसको ज़रूर सीखें और सुनें और इसको आगे से आगे शेयर करें। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।